नमो लोये शिवप्रसाद नमो सुने साराय स्वानुभूत्य चपास्ते। नहीं होता है ऐसा नहीं है। पानी की अवस्था भले ही गर्म है लेकिन उसका नेचर कैसा है? देखो अपोजिट है ना। वर्तमान पोजीशन में देखे तो विश्वास नहीं आवे, और वही ठंडा तेल डालो तो ठंडा तेल फ्रिज में रखा होगा क्या होगा, कैसा होगा यार? ये नेचर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ये खुशी की बात है कि अज्ञान हमारे नेचर में नहीं घुस गया है। हम ज्ञान मूर्ति हैं, हम चैतन्य मूर्ति हैं, हम भी सारी दुनिया को जान सके ऐसी ताकत रखते हैं, लेकिन क्या करें सर पे पत्थर जो मारते हैं, इसीलिए हमारी शक्ति पूरी दब गई, पर्दे के पीछे हो गई। पर्दे के पीछे जो शक्ति है ना, परमात्मा शक्ति, उसको आप डेवलप कर सकते हैं। यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया का ज्ञान आपको हो सकता है, कहीं गए बिना सामने वाले के मन की बात भी आप जान सकते हो, कहीं गए बिना वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ बैठे बैठे सामने दरवाज़ा दिखता है मेरे, कैसे हुआ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ज्ञान की चमत्कारिता नहीं है? यहाँ बैठे बैठे अपना मकान दिखता है, दीवार के पीछे नहीं देख सकते लेकिन अपना मकान दिख सकते हैं, कैसे देखते हो? यहाँ देखो, यहाँ अभी कितना दूर है, अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर है। अपना बंगला मोटर गाड़ी, अपने घर में रहने वाले लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? कैसे दिखे ये? ये हमारे ज्ञान शक्ति, अगर वो डेवलप हो गई तो क्या होगा, पूरी दुनिया जान सकेंगे यहाँ बैठे। चमत्कारिक पदार्थ हैं हम, हमारे स्वभाव में कुछ भी विकृति घुस नहीं गई है। फिर ये विकृति किया किसने? भैया आपने नहीं किया है, आपने माने नेचर ने नहीं किया है, आपके स्वभाव ने नहीं किया। खुश हो जाओ ये बात सुनकर कि देखो इतना इतना किया गड़बड़, इतने इतने अशांति में जिए, लेकिन वो अशांति आपके नेचर में नहीं घुस गई है, आपका नेचर इंटैक्ट है। शुद्ध बुद्ध चैतन्य गन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कही एक एटलू कर विचार तो आप यकीन मानो कि आप परमात्मा, परमात्मा से रत्ती भर भी कम नहीं। भले आपने कितने सारे राग द्वेष किए हों, बहुत अशांति में जियो, फिर भी जिस सेकंड अगर आप अपने को परमात्मा मानोगे और देख लोगे, आपके दुख दर्द का अवसान हो जाएगा, क्या हमेशा के लिए वो मिट जाएगा। इसीलिए दूसरा पॉइंट सत्य है कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का कर्ता जीव नहीं है। फिर कौन है? कर्म है। मोजे उछलते नहीं है लेकिन पवन आता है तो मोजे उछल जाते हैं। कौन जिम्मेदार है? समुंदर जिम्मेदार नहीं, मोते समुंदर में है, लेकिन जिम्मेदार कौन है? पवन। और आत्मज्ञान के बाद नहीं चाहते हुए भी जो कुछ भी गलतियां हमारे से होती अभी भी होती है, मोह राग द्वेष होता है, उसकी गलती कौन चाहते तो नहीं हुआ, किस पे डालोगे? कर्म कराता है। इसीलिए आप बच गए हो। आत्मज्ञान के पहले और आत्मज्ञान के बाद में फर्क क्या पड़ता है? आत्मज्ञान के पहले भी आप नहीं करते थे लेकिन आप ऐसा मानते थे कि राग द्वेष मैं कर रहा हूँ, और आप ये भूल चुके थे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं सिर्फ जानने देखने वाला हूँ, और आप कभी भी जानने देखने में रहने की प्रैक्टिस नहीं करते थे, इसीलिए ढेर सारे कर्मों का बंधन होता था और इसका फल आपको भोगना पड़ता था, अशांति दुख चार गति में भ्रम। आत्मज्ञान के बाद क्या हुआ? अभी भी वो गलतियाँ होती है क्योंकि अभी आप परमात्मा नहीं बने हो,
लेकिन एक भी गलती करने की आपकी इच्छा नहीं है, तो जिम्मेदार कौन है? आप नहीं हो, कर्म है। तो इसका दंड क्या मिलेगा? कि दंड उसका नहीं मिलता है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का, दंड इस बात का मिलता है कि आप अपने तार अपने परमात्मा से जोड़ने का पुरुषार्थ नहीं करते। बाकी आप लड़ाई में जाओ, कुछ भी नहीं होगा आपका। क्यों? कि वो तो आपके हाथों से मरने वाला था, इसलिए मरा। उसकी डेस्टिनी पहले से लिख दी गई थी। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन को, भैया मारा तीर। नहीं नहीं, मैं कैसे मारूं, गुरु द्रोणाचार्य है, भीष्म पितामह है, मेरा ऑर्डर है, उनका डेथ है ना तेरे बाण से लिखा हुआ है। अब तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, न वो चेंज कर सकते हैं, वो भाग नहीं सकते, न मैं तेरी जो विधाता में लिखा है ना वो मैं चेंज कर सकता हूँ। अब तुम्हारा काम ये है कि फायरिंग करो, दूसरा कुछ बात नहीं, रोकना नहीं आगे पीछे। नहीं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है ना, तुम्हारे को कर्म नहीं बंधन होंगे, जा कर्म करो, लेकिन फल की आशा मत रख। बस तुम कर्म किए जा, तुम सर्वंत बन जा प्रभु का, दैट्स ऑल। प्रभु का ऑर्डर है, मारने का भाव तो नहीं है, तुम बच गए, तुम उसी भाव में मोक्ष जाता है। अर्जुन उसी भाव में मोक्ष गया, क्यों? लड़ाई तो किया लेकिन मोक्ष क्यों गया? वो तो नरक में जाना चाहिए था, मोक्ष जाए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हमको मार दौड़ करना चाहिए, इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि लाफा मार दो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट था तुम्हारे को मारने, मेरे हाथों से तुम दुखी होने थे, हो गया। मैं क्या करूँ उसमें, मैदान नहीं देखने वाला, मैं परमात्मा हूँ, मुझे हिंग लगे ना फटकड़ी, इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात। ये सिद्धांत समझाने के लिए कह रहा हूँ। सिद्धांत ये है कि ये विकार करना ये जीव के नेचर में नहीं है। जब नेचर में नहीं है तो उसका जिम्मेदार वो कैसे होगा? इसीलिए आप खुश हो जाओ कि आप पूर्ण पवित्र हो। आप राग द्वेष को इतनी अहमियतता मत दो। देखो कि इतने सारे राग द्वेष होने पर भी आप ऐसे कैसे पवित्र हो, किसकी वैल्यू ज़्यादा? आप अभी भी शांत मूर्ति हो, देखो तो सही जरा क्या बिगड़ा है अंदर में। आप अवस्था को देखोगे तो द्रव्य को नहीं देख पाओगे, अपने द्रव्य को पोषते रहोगे, जबकि वो तो पूर्ण पवित्र है, वही परमात्मा है। परमात्मा को क्रोधी कहते हुए शर्म नहीं आती है? अपने को क्रोधी कहते हुए शर्म नहीं आती है? अपनी डिवेल्यूशन अपने हाथों से क्यों करते हो? संसार समुद्र से बाहर निकालने वाला तो तेरा एक परमात्मा ही तेरे साथ है, और उसको तो तुम गाली देते हो, वो कैसे तुम्हारे को शरण देगा? नहीं, अब ऐसी गलती मत करना। पर्याय में जो भी गड़बड़ हुई है वो स्वीकार है, ऐसा है कि नहीं हुई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अपने सर पे मत डालो। अवस्था का ठेका द्रव्य ने नहीं लिया है, इसलिए द्रव्य में कुछ भी अशांति नहीं, कुछ भी बिगड़ा नहीं, और वही परमात्मा है जिसका कुछ बिगड़ता नहीं। संसार में रहता है लेकिन परमात्मा का बाल भी बांका होता नहीं। कौन है वो परमात्मा? कृष्ण भगवान जो लीला करते थे, वो परमात्मा हम स्वयं है, हम भी लीला करते हैं, क्योंकि सब कुछ करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, खाते हुए भी नहीं खा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा तो सिर्फ जानता देखता है, करता धरता नहीं है, खाता पीता नहीं है। ये क्या है? लीला है। कृष्ण भगवान की लीला सुनी होगी, लेकिन अपनी लीला तो देखने में भी आ सकती है। देखो आप कैसे लीला करते हो, दुकान भी जाते हो, पैसा नहीं रहता तो गला ही पकड़ लेते हो सामने वाले, फिर भी आप जानने देखने वाले रहते हो। पैसा डूब गया तो कुछ भी हैरान गति नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? 8,000 बाकी थे, 3,500 दिया, भैया इतना है लेना है तो लो, अच्छा भाई दे दो, तकलीफ क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा अटैचमेंट खत्म हो गया,
नहीं 8,000 लूंगा, एक साल से नहीं दिया है तो ब्याज भी लगेगा, सब देना पड़ेगा, नहीं देगा तो मैं कोर्ट में केस करता हूँ। और परेशान परेशान नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत मैं जब पैदा हुआ था तब 8,000 रुपये लेके नहीं आया था, आया था ये मेरे हैं पैसे, अपने होशियारी से कमाए थे, तो आपसे ज़्यादा होशियार जूते बूट पॉलिश करते हैं, होशियारी से भी नहीं आए हैं पैसे, आपकी मेहनत की कमाई थी, मजदूर आपसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, छोड़ दो सब अभिमान, आपने कमाया आपका आपका मुँह निकाल दो, ये मेरा है ऐसे भाव की व्याख्या प्राय न कर। अब लोग का पहला पॉइंट, ये 8,000 मेरे नहीं थे, क्या मेरे पैसे उधर पड़े थे ऐसा भी नहीं था, जितने मेरे थे वो आ गए, जितने मेरे नहीं थे वो चले गए, जाने दुखी होने की कोई जरूरत नहीं, अटैचमेंट खत्म करो, ये अटैचमेंट खत्म कर सकते हैं, ये लीला है परमात्मा, हम भी कृष्ण भगवान के जैसा लीला कर सकते हैं, हम कोई कम नहीं है कृष्ण भगवान से, क्यों अपने आप को गिरा देते हो अपनी नजरों में, राग द्वेष तुम्हारी अवस्था में जरूर होता है लेकिन उसका कर्ता तुम नहीं हो, क्यों कि वो तेरे स्वभाव में नहीं है, चलो क्रोध करके दिखा दो, अभी कल किया था ना ऐसा, क्रोध करके दिखा दो, नहीं हो सकता, जानना देखना हो सकता, चलो जानने देखने को बंद करके दिखा दो, थिंक तू करते हो ना, तेरा नेचर है ना, बंद कर दो, नेचर को बंद नहीं किया जा सकता, नेचर तो रात और दिन आपका ध्यान हो या ना हो वो चलते रहता है, जैसे सांस चलती है जब तक आयु से रहेगी, ऐसे ये नेचर इस जन्म के पहले भी था, जन्म के बाद भी रहेगा, उसका कभी डेथ नहीं होने वाला, एटर्नल है नेचर, एटर्नल राग द्वेष एटर्नल नहीं है, वो क्षणभंगुर है, बीमारी क्षणभंगुर है और स्वस्थता एटर्नल, इसीलिए कहते हैं ये जो कहा है, इसीलिए कहा है कि जीव में विकार होने का कोई गुण नहीं है, आत्मा में क्रोध शक्ति नहीं है, ज्ञान शक्ति है, क्रोध शक्ति नहीं है, स्वभाव में नहीं है, इसीलिए उसके स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए, क्योंकि दृष्टि स्वभाव की करेगा तो शांति मिलेगी, दृष्टि अगर अवस्था की होगी तो शांति होगी, अरे मैं दुखी हो गया, अरे मैं रागी, अरे मैं द्वेषी, ऐसा हो जाएगा, अब कैसे निकालूं क्रोध को, निकालने की क्या ज़रूरत है, क्रोध को देखना बंद कर दो तो ब्लैंकनेस आ गई, ब्लैंकनेस को भी देखने वाला कौन, किसको देखना है, पहले क्रोध को देखता था, ब्लैंकनेस को देखता है, आखिर बात तो वही की वही रही, दूसरों को देखने की आदत नहीं, अभी कोई विचार नहीं आते हैं, ब्लैंकनेस काहे को देखते हो, ब्लैंकनेस को, विचार को देखने वाला कौन था, परमात्मा, ब्लैंकनेस को देखने वाला कौन है, कौन बच गया, परमात्मा, उसको देखो जो परमानेंट है, शांति परमानेंट चाहिए तो परमानेंट को देखो, इतना इजी है, नहीं नहीं वो दिखता नहीं है, तो विचारों को कौन देखता था, नहीं नहीं ब्लैंकनेस है, देखिए इसको कौन देखता है, हो गई बात, सामने तो है, हाजिर तो है, कहाँ चले गया, नहीं नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, काहे को झूठ बोलते हो, नहीं दिखता है, गंवार से गंवार आदमी भी आत्मज्ञान कर सकता है, क्यों मालूम वो क्या बोलेगा, मुझे कुछ पता नहीं चलता है, किसने जाना कि मुझे कुछ पता नहीं चलता है, अंधे को भी आत्मज्ञान हो सकता है, क्यों मुझे कुछ नहीं दिखता है, किसने जाना मुझे कुछ नहीं दिखता है, वही तो है परमात्मा, कितना इजी है, ऑफिस इजी हार्ड का प्रॉब्लम आ जाएगा, टेम्पटिंग है क्या बोलते हैं, बहुत इजी है, सही में इजी है,
क्या देते प्रैक्टिकल, नहीं देखना है तो हम क्या करें, बाकी देखना है तो इजी है, अगर आप देखना चाहो तो वेरी इजी। ए बी सी डी लिखना हार्ड है, परमात्मा को देखना बहुत इजी है। एक साल लगता है केजी में ए टू जेड सीखने के लिए, परमात्मा को देखने के लिए और हमेशा के लिए सुखी होने के लिए ऐसे तो एक सेकंड का काम है, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस उल्टी हो गई है बहुत तो छुट्टा होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसका भी मैक्सिमम टाइम क्या है, छः महीने। अब इजी है कि हार्ड है? अब थर्ड पॉइंट लेते हैं, पार्टनरशिप वाला है, जीव भी करता है और कर्म भी करते हैं। सदगुरु मिलने के बाद भी उसको बहुत जागरूक है। हाँ, सदगुरु मिलने के बाद समझाने के बाद भी उसको आत्मा कल्याण की भावना जागरूक है, सत्संग गाने या तो ये जीव का है कि कर्म का? जीव का स्वयं कल्याण करना नहीं चाहता, जीव का रुचि तो करता है, अपने कल्याण में इंटरेस्ट नहीं है तो कहीं और जगह तो इंटरेस्ट है, ऐसा तो नहीं है कि वो पत्थर हो गया है। उसको टीवी देखने में इंटरेस्ट है, अच्छा खाने पहनने उठने में इंटरेस्ट है, शॉपिंग करने में इंटरेस्ट है, सत्संग में इंटरेस्ट नहीं। हाँ, अगर उसको इंटरेस्ट कहीं भी नहीं होता तो मानते चलो जाट मुर्दा हो गया है, लेकिन वो तो नहीं। फिर जो इंटरेस्ट वहाँ है उसको ट्रांसफ़र करना है, क्षण भंगुर सुख के लिए वो वहाँ इंटरेस्ट लगाता है, जहाँ परमानेंट सुख मिलता है वहाँ इंटरेस्ट क्यों नहीं लगाता है? जिस सुख को प्राप्त करने के लिए हमको दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है उसके पीछे इतनी मेहनत इतना लगाओ कि टीवी देखने के लिए आप कितने निर्भर हो दूसरे के ऊपर, केबल वाले के ऊपर निर्भर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर निर्भर, आप थके हुए नहीं रहना, आपको नींद नहीं आना, आप मूड में होना, इसने प्रॉब्लम है। फिर आपको जो चैनल देखना है तो भले 102 चैनल है लेकिन एक टाइम में एक ही चैनल आता है, अब आपके बाजू में जो आपका भाई बैठा है शुरू से चैनल देखना, कितना डिपेंडेंट हो आप, देखना है लेकिन आँख बहुत दर्द हो रही है, देखना है लेकिन चश्मा मिल नहीं रहा है, कितने प्रॉब्लम, वो टेम्पररी सुख के लिए इतने सारे प्रॉब्लम। उसके लिए झगड़ा घर में झगड़ा भी कर लेना, दो भाई आपस में क्यों लड़ते हैं, बोलते हैं कार्टून शो लगाओ, बोलते हैं क्रिकेट लगाओ, एक दूसरे का सर फोड़ते हैं, इतने डिपेंडेंस वो टेम्पररी सुख के लिए। और जो परमानेंट सुख है उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंडिकेशन क्या चीज़ का है? इंडिकेशन इस चीज़ का है कि आप जल्दी से नरक में जाने वाले हो। क्या आपको मुक्ति के द्वार नहीं मिल सकते, आप छोड़ दो मगजमार, और सदगुरु भी छोड़ देते हैं मगजमार, जब उनको पता चलता है कि सामने वाले को आत्मकल्याण करना नहीं है तो बेकार की मगजमार नहीं, एक बार मालूम पड़ जाए पोल खुल जाए आपकी खत्म हो गई बात, सदगुरु आपके सामने भी नहीं देखेंगे। सब मालूम तो पड़ जाता है कि कब तक पोल को छुपा के रखोगे, वो भी उसको उसके सामने जो आपकी मन की बात भी जान लेता है आपका चेहरा देख करके, उसके सामने आप झूठे झूठे समर्पण भाव करोगे, झूठी बातें बनाओगे, स्वयं को धोखा, नहीं स्वयं को तो भले बात की बात है लेकिन कौन बेवकूफ़ बनने वाला है यहाँ, सदगुरु का क्या नुकसान होने वाला है, उसको तो पूरा पहले से ही मालूम है कि उसके दिल में क्या है, आपको बोलता नहीं था शायद आप सुधर जाओ, शायद आप सुधर जाओ, नहीं सुधरना है तो पता कोई टाइम नहीं है, वेट करना नहीं, आपके पीछे लगना नहीं जरा देख, इसलिए कई लोग आते हैं कई चले आते हैं, वापिस आते हैं वापिस चले आते हैं, क्यों? जब वहाँ जूते पड़ते हैं ना तो वापिस आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, वापिस गुरु के याद आ जाते हैं, आप इस यहाँ अपना पुरुषार्थ नहीं कर सकते हो, निराश हो जाते हो तो पुरुषार्थ कैसे करना, वो तो बोलते नहीं पूछते नहीं, भाई अच्छा था अपने बेकार का यहाँ है, वहाँ कम से कम मजा तो भी आती थी, जाओ वहाँ ऑफिस वहाँ जूते पड़ते हैं ऑफिस यहाँ आ जाते,
क्या है? आया राम गया, करेक्ट। कमल को अच्छा याद रह गया आपका डायलॉग, आया राम गया, ऐसा ही चलता है। ऐसे कई आपके हैं, ऐसे लिस्ट में मेरे नाम है कुछ लोगों जो आए और गए, आए और गए। ऐसे भी जीव होते हैं, ये गुरु से ही फायदा होता है ऐसा नहीं है। अगर गुरु से फायदा होता तो वो जाते नहीं आने के बाद, गुरु से फायदा नहीं होता। फायदा होना नहीं होना आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपको संपूर्ण शांति चाहिए तो आप यहाँ से वापस फेल नहीं जाओगे कभी, ये गारंटी है, इतनी गारंटी मेरी है। अगर आपकी भावना 100% शुद्ध है, आपको और कहीं जाना नहीं, क्योंकि इससे ऊंची बात पूरी दुनिया में इस वक्त नहीं है। वर्ल्ड में अभी इसके मुकाबले की सरल बात कहीं नहीं। मैंने वर्ल्ड में कहीं गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बात नहीं है। टाइम हुआ है? नहीं हुआ मुझे टाइम, लेकिन थर्ड पॉइंट कर लेना, क्योंकि अब एक वापिस फिर बहुत टाइम लग जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या है? दोनों करते हैं, ये राग हुआ है ना। अब ये दो बात सही हो गई ना, कि राग जीव करता है वो भी बात सही, और राग जीव नहीं करता है वो बात भी सही। कैसी अपोजिट बातें दोनों सही निकली? गोल एक है। और थर्ड में दोनों करते हैं उसमें से भी अपने को शांति निकालना है, तो ये बात सही है कि दोनों करते हैं। अगर शांति नहीं निकलती है तो गड़बड़ है, मतलब हमारा मोटो सिद्ध होना चाहिए। तो शांति का मेन मोटो है हमारा, हमारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाना चाहिए, भले बात अपोजिट हो, हमारी हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए, किसी बात उलझन नहीं रहनी चाहिए। तो ये थर्ड पॉइंट जो है उनका नंबर था 542, 542 का थर्ड नंबर।